So guys, this is the place जहाँ पर incident हुआ. जैसा बुढ़ा सा अंकल है उसने चुरा लिया. ये है criminal असली. तो हम लोग की सुबह की 7:45 की फ्लाइट है फ्रॉम मुंबई. तो अभी हम लोग पुणे से अभी जस्ट निकलने वाले हैं. तो वी जस्ट वेटिंग फॉर द टैक्सी टू अराइव. 15 मिनट्स लगेंगे शायद टैक्सी को पहुंचने के लिए. हम सब पैक्ड है एंड वी आर नाउ गुड टू गो. आई एम सो एक्साइटेड गाइस. लिटरली हमारा पैक हुए 2 घंटा हो गया था. मैक्वीन सो गई थी, उसको नींद आ गई थी, बट मैं एक्साइटमेंट के मारे में तो सो ही नहीं पाई. पता है सो ही नहीं पाई. तो अभी हम 3 से 3.5 घंटे का हम लोग का ट्रैवल रहेगा टू मुंबई एयरपोर्ट. तो शायद मैं तब सो जाऊँ थोड़ा सा. तो या मिलते हैं व्लॉग में. इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग जर्नी. माय फर्स्ट एवर ट्रिप टू थाईलैंड, आल्सो माय फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप. सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड आई विल सी यू गाइस अहेड व्लॉग में. चलो टेक केयर. चलो लेट्स गो गाइस. मास्क भी आ गया है. एवरीवन इज नाउ रेडी. डैड आ रहे हैं हमारे साथ नीचे हमको छोड़ने. और ये मेरी मॉम जाने का वेट कर रही है हमारे. चलो बाय. बाय निखिल. बाय 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 बाय. थैंक यू. बाय निखिल. हैप्पी जन्मदिन. सो गाइस हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं फाइनली. 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है. 3 आवर्स का रास्ता दिखा रहा है. सो अभी 3 घंटा तो हम मस्त सोने वाले हैं बिकॉज बहुत थक चुके हैं हमने स्ट्रीम करके भी सब चीज़ें. सो या सी यू गाइस एयरपोर्ट में. मिलते हैं. सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं. हमारे साथ हमारी न्यूएस्ट एंड आई थॉट एडिशन विद साक्षी. सो वी आर फाइनली रीच. हम लोग अभी पहुंच गए हैं. सो अभी गाइस हम लोग चेक इन करने वाले हैं. हम लोग फाइनली चेक इन कर चुके हैं इमिग्रेशन एंड ऑल. ये देखो धप्पा लगा है. सो अभी हम लोग को थोड़ा सा और टाइम है. तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं. पानी वानी का सब चीजें. मैक्वीन को सुसु आई है. ओए तुझे आई थी छुट्टी. सो मैक्वीन अभी जाएगी. तो मैक्वीन अभी जा रहा है. उसके लिए अभी थोड़ा कंपनी करने के लिए जाना पड़ेगा वॉशरूम. मुझे भी मैं भी कर ही लूंगी और क्या. सो या वन मोर टाइम. यस यस मुझे भी दिखाओ. पियो ना पियो पियो. सिनेमैटिक स्लो मोशन. चेक इन वेक इन होके हम वेट कर रहे हैं गाइज. एंड देखते क्या होता है फ्लाइट पे. ये लोग तो रील्स एंड ऑल अभी तक देख ही रहे हैं. डिसाइड कर रहे हैं कि ये लोग अभी क्या बनाएंगे. भाई फुल रीलर्स है गाइज. यूट्यूबर्स छोड़ दो भाई, रीलर्स ही एक नंबर के. चलो किसी ने कुछ सुना नहीं. सो या बहुत सारा कंटेंट हम लोग सोच रहे हैं. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो वी एक्साइटेड. हमारा फाइनली बोर्डिंग हो चुका है. अब स्टार्ट होने वाला है जस्ट. एज यू कैन सी हम लोग अभी फ्लाइट में आ चुके हैं. एंड इस मैडम ने मेरी सीट ली है. बाय द वे वो मैं बाद में एक्सचेंज करूंगी. हम फाइनली बैठ चुके हैं. एंड बेचारी मैक्वीन को आगे बैठना पड़ रहा है बिकॉज उसकी सीट का थोड़ा एफ हो गया है. सो हाँ आगे भी आगे से सीटिंग तो बेचारी को बैठने को नहीं मिलेगा. हम तो नहीं करेंगे अभी. बट हम लोग मोस्ट ऑफ अभी सोने वाले हैं बिकॉज रात भर हम सोए नहीं हैं. सो या दैट्स ऑल अबाउट इट. अभी है थोड़ा आप लोग को सिनेमैटिक में दिखाऊंगी. हमने अपना सामान भी ले लिया है. वहाँ पे ये व्लॉग कर रही है मैक्वीन. और साक्षी के साथ एक सीन हो गया था. उसका जो बैग है वो पता नहीं कैसे गीला हो गया. वो तो हमारा लकीली हम लोग का ये वाला सिस्टम का है तो ज़्यादा गीला नहीं हुआ. उसका तो पूरा कपड़े का था बैग तो वो गीला हो गया था. सो या अभी देखते उसका क्या होता है. कंपनसेशन कुछ होता है नहीं होता है.
उसके सारे कपड़े अंदर के पूरे गीले हो गए, वो उधर खड़ी हुई है। इमिग्रेशन वीज़ा सब चीज़ें लाइक जल्दी होगी, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत जल्दी हो गया था। दैट्स रियली प्लस पॉइंट। लेट्स गो हमारे न्यू टैक्सी पे। ऐसी टैक्सी पे गाड़ी में, इंडिया में तो भाई गाड़ी होती है। अब तो भाई झारखंड देखना ही पड़ेगा ब्रो, क्या ये फुल मून पार्टी। अभी हम लोग en route to the hotel that we had booked, so अभी I'm more excited to even see the hotel. वो होटल लाइक इट्स नॉट सो ग्रेट एंड इट्स नॉट सो बैड आल्सो, बिकॉज़ हमने लाइक दो स्टे के हिसाब से हमने वो होटल बुक किया था, बिकॉज़ हम लोग वैसे ही बाहर ही रहने वाले हैं बैंकॉक में, एंड असली स्टे जो हमारा है वो Koh Samui होने वाला है। दैट्स व्हाई हमने उस हिसाब से हमने होटल लिया था, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड होटल, सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट हाउ इट्स गोना बी। सो अभी मिलते हैं। ये मेरे को समझ में आया, ये सॉसेज है, मेरे को सिर्फ इतना पता है, और ये बारबेक्यू चिकन है मुझे पता चला। गाइस मैं नहीं करने वाली फूड ब्लॉगर चीज़ें, सो मैं बस इन लोगों को दिखाऊंगी फूड ब्लॉग करते हैं। ये देख लो गाइस क्या है। सो गाइस हम लोग अभी शॉपिंग करने के लिए आए हैं शॉप पे, स्ट्रीट पे। मेरा अभी फोटोज एंड ऑल का सेशन चल रहा है इन लोग का, सो आज आप लोग को दिखा देंगे। बेसिकली गाइज मैं आप लोग को लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या एक्चुअल में हुआ था। इंडिया से मैं जो एक बैग लेकर आई थी, मैं जो एक पर्स लेकर आई थी, वो बैंकॉक आते आते पूरी तरह से लाइक टूट गया था, उसका चेन टूट गया था, सब चीज टूट गया था। ऑब्वियसली मैं वो टूटे हुए बैग में अपना जो मनी है मैं ऑब्वियसली वो कैरी नहीं करूँगी। हम लोग लैंड हुए, होटल में चेक इन किया, एंड वी हैड टू गो आउट शाम को फॉर शॉपिंग। सो आई थॉट कि यार लाइक वाई नॉट अपना जो मनी है जो मैंने एनवेलप में रखा था सेफली, मैं साक्षी और मैक्वीन के बैग में लाइक एडजस्ट कर दूंगी। फॉर द टाइम बिंग मैं अपने खुद के लिए एक बैग ने खरीद लूँ शॉप से। एक दो जगह मैंने वो इंसिडेंट से पहले शॉपिंग किया था, तो फर्स्ट मैंने मैक्वीन के बैग से डाला, फिर उसके बाद साक्षी के बैग में डाला, देन साक्षी के बैग से निकाल के जहाँ पे आप लोग को सीसीटीवी फोटेज दिख रही है वहाँ पे मैंने साक्षी के बैग से निकाल के मैंने हड़बड़ी में एंड सब चीज में, just because I had a white envelope and जहाँ पे मैंने envelope रखा था वो भी पूरा white था, because पूरा accessories and all पूरा like white white था नीचे, तो मुझे literally इतना ध्यान नहीं आया, वो envelope मैंने वहाँ पे ही छोड़ दिया transact करके। and मैंने सोचा कि वो accessory जो मैंने करी था वो मेरा envelope, तो मैंने McQueen के bag में रखा, and मेरे को literally लगा कि McQueen के bag में मैंने अपना envelope रख दिया जबकि मेरा envelope वहाँ पे ही छोड़ के चले, and that's how the whole incident started. So yeah, this was it about the whole incident. So guys, finally मैंने foreign exchange कर लिया है, वो तो अच्छा हम लोग को एक Indian मिल गया था बहुत अच्छा, एंड उसको हाँ पाकिस्तानी था, एक्चुअली पाकिस्तानी था, उसने अपने इंडियन फ्रेंड को बुलाया एंड उसके फ्रेंड में हमने गूगल पे ट्रांसफर किया, 40K मेरे गए एंड 40K का कुछ 16,000 बाट अभी मुझे मिला है। So I think I have to suffice now that, and hopefully by the end of the trip I get my money back जो मेरे lost है, जो police है जो try कर रही है हमारा करने के लिए, hopefully happy ending हो इस journey की। These are the streets of Bangkok guys, अभी हम लोग जा रहे हैं finally a good meal करने, I think this is the place, yeah we finally got the way. This is the place and यहाँ पे we have to choose. मैंने सुना है कि Bugatti बहुत ही famous drink है बैंकॉक का। I have taken this guys. ये वाला मैंने लिया हुआ है, ये वाला
मेरे को सिर्फ इससे मतलब है, ये जो इधर लिखा हुआ है उससे मुझे मतलब नहीं है. वो बोलते रहिए कि इट हैज़ बट इट डजंट हैव एनी इफेक्ट. तो मेरे को सिर्फ नींबू पानी चाहिए. मैं उसको बोल भी नहीं सकती मुझे नींबू पानी चाहिए. गाइस शॉपिंग कर करके जो मैं थक गई हूँ ना, ये देख लो, इतना 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 थक गई. तो अभी हम निकल रहे हैं फॉर पार्टी. दिस इज माय आउटफिट टुनाइट, लास्ट नाइट इन बैंकॉक. कल सुबह की हमारी फ्लाइट है टू ओ समुई, जहाँ पे हमें हमेशा से जाना था. द मेन ट्रिप जो जगह हम जा रहे हैं ना, इट्स एक्चुअली लाइक पटाया. बट हमने पटाया इसलिए नहीं गए इस बार बिकॉज बहुत दूर था पटाया यहाँ से. वी डिडंट हैव मच टाइम. सो या वी आर गोइंग टू दिस न्यू प्लेस नाउ. पीपल से इट्स लाइक वॉकिंग स्ट्रीट ओनली पटाया का. सो लेट्स सी लेट्स सी. कौन सो रहा है भाई? अरे भाई बेचारी यार. सो गाइस अभी हम सुबह सुबह 6:30 बजे हम लोग अभी निकल रहे हैं ना बागी. अभी हमें सीधा मेट्रो जाना है एंड वहां से सीधा एयरपोर्ट. मैं अभी आप लोगों को मेरी शक्ल दिखा सकती हूँ. मेरे मास्क लगाए तो मैं